कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हिंदपीढ़ी को रांची जिला प्रशासन द्वारा लार्ज कंटेनमेंट बाद पूरे हिंदपीढ़ी को लगभग 2 महीने से ज्यादा दिनों के लिए सील किया गया था, लेकिन पिछले 28 दिनों में कोई भी नया मरीज नहीं मिलने के बाद रविवार को देर रात हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि रांची उपायुक्त राय महिमा पत्रे की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हिंदपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का फैसला लिया गया और रात को ही ब्रैकेटिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर, बहुत काफ़ी कठिनाई के साथ बीता है ये 60-65 दिन जो गुजरा। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों ने काम किया। एक जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने उठ के काम किए। हॉस्पिटल के क्षेत्र में अंजुमन इस्लामिया ने बहुत अच्छा काम किया। रिलीफ के क्षेत्र में भी अंजुमन इस्लामिया ने डेली 2 से 2500 लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया कंटेनमेंट जोन के लिए, और बाकी प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।